Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. So students, we had so far completed all the topics of principles of inheritance and variation. आज हम अपने last topic को that is the genetic disorders उसको cover up करने जा रहे हैं. So far we had dealt with the Mendelian and the non-Mendelian inheritance. Mendelian and non-Mendelian inheritance. The sex determination and pedigree. Now we are going to talk about the genetic disorders. So basically, what are genetic disorders? Let us have a look at it. So students, genetic disorders are the disorders due to change in the genes or the chromosomes. Genetic disorders are the disorders due to change in the genes or chromosomes. Genetic disorders can be classified into two types. The first type is the Mendelian disorder and the second type is the chromosomal disorder. Students, if you want to cross up, if you want to crack up the नीट बेसिकली द नीट पेपर तो आपको मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दोनों को इन डिटेल पढ़ना होगा. आपके इस चार्ट में से बेसिकली इसी इमेज में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ नेम्स गिवन ऑन दिस पेज. बेसिकली बहुत सारे डिसऑर्डर्स के नाम दिए हुए हैं. दीज आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और द नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जा सकता है, इज द थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, इज कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर, इज हेमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो फिर आप मतलब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेक्ट ऑड वन आउट. ऑड वन आउट में हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया एंड टर्नर्स सिंड्रोम है. तो फिर आप कौन सा ऑड वन आउट सिलेक्ट करोगे? दैट इज द टर्नर सिंड्रोम. या फिर आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो उनमें से आप किसको करोगे सिलेक्ट? थैलेसीमिया को. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन केस कि ये पिक्चर बेसिकली जो है जो आपको अपनी आंखों के सामने दिख रही है प्रेजेंटेशन के ऊपर, दिस पिक्चर इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, ये इमेजेस, ये वाली सिकल सेल एनीमिया की इमेज हम बहुत टाइम बहुत बार देख चुके हैं. बेसिकली सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से जानकारी ले लेते हैं दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलता क्या है हमें. The disorders caused by alteration or mutation in the single gene are known as the Mendelian disorders. These are the disorders that are caused by alteration or mutation in a single gene. Students, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा DNA है, chromosomes है, वो DNA के बने हैं, DNA के अंदर genes हैं. अगर DNA के sequence में किसी भी point पे कोई भी चेंज आ जाए, हमने म्यूटेशंस वाले टॉपिक के अंदर अच्छे से इसको पढ़ा था दैट म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, द पॉइंट एंड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ये हैं जो एक सिंगल जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन के बाद मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल किटो यूरिया, थैलेसीमिया, cystic fibrosis, etc. ये सारी diseases कैसे होती हैं? एक single gene mutation के कारण ये सारी diseases हो रही हैं. The pattern of inheritance of Mendelian disorders can be traced in the family by pedigree analysis. Students, जो Mendelian disorders है उसको हम pedigree analysis से solve कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे Mendelian laws को follow करते हैं. मेंडेलियन लॉज हमारे कौन कौन से थे? दैट वाज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट.
ये जो तीनों, ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ये तीनों लॉज को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि ये तीनों लॉज को फॉलो कर रहे हैं। द पैटर्न, इनका पैटर्न भी जो है हम रिसेसिवनेस, डोमिनेंस एंड कैरियरनेस से निकाल सकते हैं कि कौन सा कितने प्रोजेनी होंगे, कौन कौन सी जनरेशन में कितने प्रोजेनी डिसीज एंड कितने अनडिसीज पाए जाएंगे। पेडिग्री एनालिसिस में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज बेसिकली अ डोमिनेंट सेक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मदर है, मदर इज द कैरियर, फादर इज डिफेक्टिव, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो मदर से फादर, मदर से सन को और फादर से डॉटर को पास ऑन हो रहा है। डॉटर से डॉटर को ये डिसीज नहीं हो रही है, लेकिन अलील जो है, जीन जो है, बेसिकली जीन है वो फॉलो अप हो रहा है। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द कॉज। पेडिग्री एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस में हमने देखा था इट इज द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैमिली ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हमें एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, एक्स लिंक डिसीज, दैट इज डॉटर इज ऑलवेज unaffected mother can be carrier, she passes the character to her son। ठीक है, ये जो myotonic dystrophy का केस है, that is X linked disease, daughter is always unaffected and mother can be carrier, she passes this character of disease, this diseased gene or allele to her son। Next जो है वो लिखा हुआ है autosomal recessive trait of sickle cell anemia। Students यहाँ पे आप देख सकते हो sickle cell shape हो गई है हमारे blood cells की। जो red blood cells हैं they should be biconcave, the shape of the RBCs should be biconcave in order to provide appropriate amount of oxygen to all the body tissues। ठीक है, when the RBCs become sickle shaped, their tendency to transport oxygen goes away। So students, sickle cell anemia के जो patients होते हैं उनमें इतनी capability नहीं होती है कि वो normal persons की तरह भाग सके, उछल कूद कर सके और इतनी energy वो use कर सके, क्योंकि उनमें energy की कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको anemia होता है। किस type का anemia होता है? सिकल सेल एनीमिया, कि उनका जो ब्लड है, उनके जो ब्लड सेल्स है उनकी शेप ही कुछ इस तरीके से हो गई है कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी टिश्यूज एंड थस वो हमेशा थके थके रहते हैं। एंड अगर किसी केस में वो ज्यादा एनर्जी यूज कर ले तो उनकी डेथ भी हो सकती है। दैट वॉज द इंट्रोडक्शन टू द पेडिग्री। नाउ लेट अस गो फॉर एंड हेमोफीलिया। स्टूडेंट्स, हेमोफीलिया एज अ रॉयल डिसीज
This is X-linked recessive disease. X-linked recessive disease. Students, what is this case? In this, a protein involved in the blood clotting is affected. A protein involved in the blood clotting is affected. वो जो blood clotting वाला protein है, वो properly काम नहीं कर पाता. या तो क्या हो जाता है, recessive हो जाता है, या फिर अच्छे से express नहीं हो पाता. A simple cut results in non-stop bleeding. थोड़ा सा भी कट लग गया, वो non-stop bleeding हो रही है. क्योंकि जब जो हमारे clotting factors के जो proteins हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे. It is controlled by pair of allele H, capital H and small H. H is a normal allele and small H is responsible for hemophilia. तो जिस भी organism के अंदर ये वाला genotype है, वो organism को hemophilia होगा. उसका जो एक छोटा सा cut भी, देखो, सिर्फ एक आधा protein clotting factor जो है, वही मतलब blood clotting factor वही effect हो रहा है. लेकिन एक ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के इफेक्ट होने से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि उस बंदे को थोड़ी सी ब्लीडिंग के बाद भी बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग, थोड़ा सा कट लगने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे वो पर्सन नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता. कई केसेस में क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस. तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये X से related, X मतलब sex chromosome से related disease है. तो XH, X capital H वाली जो है, she is a normal female. And XH and X small H वाली जो female है, that is a normal female, but that female is a carrier. That is heterozygous female, मतलब क्या है, carrier है. जब ये reproduce करेगी तो हो सकता है इसका अगर बेटा हुआ, मतलब इसके इसका जो ऑफस्प्रिंग वो सन हुआ, तो उसको ये डिसीज हो सकती है. यहाँ पे XHXH इज अ हेमोफिलिक फीमेल एंड XHY इज अ नॉर्मल मेल एंड XHY इज अ हेमोफिलिक मेल. क्योंकि स्टूडेंट्स, एक भी H आ गया, स्मॉल H आ गया, उसके साथ अगर कैपिटल H ना आया, कैपिटल H ना आया, तो फिर ये क्या करेगा, स्मॉल एस एच है जो खुद को एक्सप्रेस करने लग जाएगा. इसीलिए दिस काइंड ऑफ डिजीज इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स, मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स. हाँ, बट फीमेल्स में भी होती है, बट मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स. सो दिस इज द फैक्टर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर, एंड दैट डिसऑर्डर इज, हाँ स्टूडेंट्स देखो, हेमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इन फीमेल्स हेमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज लीस्ट कैरियर एंड फादर इज हेमोफीलिक. और यू नो, हेमोफीलिया वाले जो बच्चे होते हैं, बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते. तो ये बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कि जो डॉटर है वो हेमोफीलिक हो. इसीलिए दिस इज अ रेयर disease in the case of females. यहाँ पे Queen Victoria का केस हमने पहले भी देखा था. Students, this is a pedigree and this is very important, क्योंकि Queen Victoria की बात आपकी दो बार आ चुकी है. तो इस picture को अपने दिमाग में बिठा लो, कौन कौन से जो बच्चे हैं वो affected हैं, कौन कौन से unaffected हैं, कौन कौन से carriers हैं. Please इसको दिमाग में बिठा लो, हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल सकता है नीट के अंदर. नीट के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट द बेस शुड बी एनसीईआरटी एंड दिस इज एन एनसीईआरटी थिंग. क्वीन विक्टोरिया का एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें उसकी सारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है. मैंने एक स्लाइड के अंदर यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया सारा. आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू डू कि आपको ये पिक्चर है, जो ये वाली पिक्चर जो आपको सामने दिख रही है, आपको ये वाली पिक्चर अच्छे से याद करनी है, अच्छे से पढ़नी है, सो दैट यू कैन हैव गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस से क्या मतलब है? कलर ब्लाइंडनेस से ये मतलब नहीं है कि आपको कलर दिख ही नहीं रहा है. कलर ब्लाइंडनेस से ये मतलब है कि आपको कई कलर्स जो हैं, बहुत ही रेयर कलर्स दिखते नहीं हैं. हमारे मास्टर्स में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान पता चला था 100 में से 80% वर कलर
color blind to some or any other color, any other different color. Yahan pe students, can you read the number? You may have color. If no, you may have color blindness. Ye jo picture hai, isme agar aap number padh pa rahe ho, to aap normal ho, nahi padh pa rahe to aap color blind ho sakte ho. नंबर तो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नंबर के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ द कलर है. हो सकता है मुझे भी नहीं दिख रहे, हो सकता है आपको नहीं दिखेंगे. किसी ना किसी कलर के रिगार्डिंग हर पर्सन क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है. लेकिन जो एक्सट्रीम केस है वो कैसे आता है, लेट अस रीड अबाउट दिस. कलर ब्लाइंडनेस इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई. हमारी आई के अंदर रेड एंड ग्रीन कोन होते हैं. ये आपने फर्स्ट फिजिक्स वाले चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा. बट द थिंग इज कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है. द प्रॉब्लम इज रिलेटेड जेनेटिकली. इट रिजल्ट्स इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड द ग्रीन कलर. इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम देखो, एक्स क्रोमोसोम स्टूडेंट्स, एक्स एक्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स and XY is present in males. X जो है सबके पास होता है, लेकिन males को disease होने के ज़्यादा chances क्यों हैं? क्योंकि males में सिर्फ एक ही X है, and हो सकता है वही X क्या हो, वही X defected हो. इसीलिए males को ज़्यादा chances हैं, लेकिन female के अंदर दो X आ जाते हैं. दो X आ जाते हैं मतलब अगर एक X defected होगा तो हो सकता है दूसरा ना हो. दोनों X defected हैं, ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं. इसीलिए एक्स लिंक्ड डिसीजेस जो है फीमेल्स में बहुत कम होती है. बट एक्स लिंक्ड डिसीजेस जो मेल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पाई जाती हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है मेल्स के लिए. चलो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम के कई जीन्स के अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है तो पीपल क्या हो जाते हैं, कलर ब्लाइंड हो जाते हैं. 8% of males and only 0.4% of females के अंदर ये चीज पाई जाती है. This is due to because genes are X-linked. Students, now you have to do this question. You have to solve this question. Why the sex-linked disorders are not normally or commonly found in females. Females के अंदर ये जो X-linked disease है, ये क्यों नहीं मिलती है normally या commonly? क्योंकि इसका आंसर यही है, क्योंकि females के पास दो X है. अगर एक X defected है भी तो हो सकता है दूसरा X है normal हो. But males के अंदर एक ही X है and eight X के defected होने के chances बहुत ज्यादा है. So students, this is the fact, and let us go to the next slide to read up more. हाँ जी, देखो यहाँ पे इन्होंने explain किया हुआ है about the color blindness. Let us see कि क्या explanation है. Normal allele is dominant and it is dominant. Recessive allele causes the color blindness. नॉर्मल अलील को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, एंड रिसेसिव अलील है जो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है वो क्या है, वो स्मॉल है. एंड अगर होमोजाइगस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तभी वो क्या करेगा, तभी वो जीन को एक्सप्रेस करेगा. द सन ऑफ अ हेट्रोजाइगस वुमेन दैट इज अ कैरियर. अब देख सकती हो ये जो विमेन है शी इज कैरियर एंड दिस इज अ नॉर्मल मैन. The son of a heterozygous woman has 50% chances of being color blind. उसका ये जो carrier women है, इसके अगर दो sons हो रहे हैं, दो में से एक के chances हैं कि एक son क्या होगा, color blind होगा. A daughter will be color blind only when her mother is least carrier and her father is color blind. And color blind, yes. कलर ब्लाइंड जो मेल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज वो नॉर्मल लाइफ. अगर ब्लाइंड जो लोग हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं तो कलर ब्लाइंड क्यों नहीं कर सकते. कलर ब्लाइंड लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं. द
तो बट बहुत ही रेयर चांस है फीमेल का, क्योंकि हमें पता है 8% है, 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज कलर ब्लाइंड है ना मेल्स में, और 0.4% इज फीमेल उसमें से. तो पहली बात तो फीमेल का कैरियर होना ही बहुत मुश्किल है. उसके बाद अगर मेल कैरियर फीमेल कलर ब्लाइंड मेल से शादी करे, इसके चांसेस भी कम है. उसके बाद दोनों में डिफेक्टेड वाला ही एक्स जाए, दोनों एक्स जो है फीमेल के अंदर डिफेक्टेड वाले ही जाए, इसके भी चांसेस फर्दर कम है. इसलिए ये चांसेस कम हो जाते हैं कि जो फीमेल है दैट इज कलर ब्लाइंड. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो, सिकल सेल एनीमिया भी है जो दैट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर. दिस इज ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मतलब एक्स या वाई से लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल एंड रिसेसिव डिसऑर्डर. सो लेट अस रीड अबाउट दिस. दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट मींस कैरेक्टर, कैरेक्टर या डिसीज. इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स, देखो इसके चांसेस ज्यादा है इक्वली इन मेल एज वेल एज द फीमेल. एज दिस इज एन ऑटोसोमल तो इक्वल है, इक्वल चांसेस है मेल एज वेल एज फीमेल में. ठीक है, अगर मेल के इफेक्टेड होने के चांसेस 50% है, फीमेल के इफेक्टेड होने के चांसेस भी 50% है. It can be transmitted from parents to offspring when both the partners are career. अगर male जो career है, female जो career है, उनसे उससे शादी कर रहा है, तो हो सकता है उसके चार बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सिकल सेल अनेमिक हो. इसके चांसेस होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमें कैरियर का पता नहीं चलता है. मुझे नहीं पता, मैं भी कैरियर हो सकती हूँ, आपको नहीं पता, आप भी कैरियर हो सकते हो. जरूरी नहीं है अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ये कैरेक्टर तो फिर कैरियर भी नहीं हो सकते. ठीक है, इट कैन बी दिस डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील दैट इज एच बी ए एंड एच बी एस. स्टूडेंट्स एच बी ए जो है दैट इज द नॉर्मल एलील एंड एच बी एस इज द एलील दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज. तो मैं आपको यहाँ पे जीनोटाइप लिख के दिखा सकती हूँ विद द हेल्प, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिख के दिखा सकती हूँ. एच बी एच बी एस एच बी एच बी एस एच बी एस एच बी एच बी ए मीन्स डोमिनेंट एंड नो करियर नो डिसीज. यहां पे यस कैरियर नो डिसीज एंड यहां पे यस डिसीज एज वेल एज कैरियर. एंड इस डिसीजेस के चांसेस हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक ना पहुंचे. मतलब डिसीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज अटेन करने से पहले ही डेथ करवा देती है एक ह्यूमन बीइंग की. तो चलो इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं. होमोजाइगस डोमिनेंट इज नॉर्मल, हेट्रोजाइगस इज कैरियर एंड इज हैविंग सिकल सेल ट्रेट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज इफेक्टेड. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट्स हैं जो वो कैरियर है या नहीं है किसी भी डिसीज के, स्टूडेंट्स ये हमें पता चलेगा हमारी फैमिली हिस्ट्री से. सपोज करो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा जो फैमिली है उसमें सिकल सेल एनीमिया का केस है या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि मेरी फैमिली के अंदर दादा दादी को या दादा दादी के पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को कहीं भी सिकल सेल एनीमिया था या नहीं था. मेरे फादर बता सकते हैं कि उनके दादाजी को सिकल सेल एनीमिया था या नहीं था. जरूरी नहीं है कि उनको सिकल सेल एनीमिया का नाम पता हो,
लेकिन ये चांसेस है कि उनको पता होगा कि हाँ उनको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी थी, वो मुझे सिम्टम्स बता सकते हैं। मैं अपने दादाजी से पूछ सकती हूँ कि उनके पेरेंट्स को तो कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर मेरे दादाजी मुझे बता सकते हैं कि यस उनके पेरेंट्स को कोई बीमारी थी या नहीं थी। या फिर हम अपने कजन्स में देख सकते हैं, मेरे बुआ के बच्चे को या मेरे मामा के बच्चे को या मेरे चाचा के बच्चे को, किसी को कोई ये डिसीज है तो नहीं है, तो इससे मुझे पता चलेगा। दिस इज अ पेडिग्री बेसिकली एंड दिस इज अ फैमिली एनालिसिस, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी डिसीज जो है हमारे हमारे आसपास है या नहीं है, हमारी फैमिली में है या नहीं है, हमें इसके होने के चांसेस कितने हैं और हमारे ऑफस्प्रिंग्स को इसके चांसेस होने के कितने हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज अ जेनेटिक काउंसलिंग, एंड जेनेटिक काउंसलिंग जो है जेनेटिक काउंसलर्स का काम होता है, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम। अगर स्टूडेंट्स आपको मेडिकल ऑप्ट करने के बाद किसी भी टाइप का डाउट है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो जेनेटिक बेसिकली दिस स्ट्रीम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम, आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वाला सारा टॉपिक। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से जो हमारे रह गए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पढ़ना चाहिए इसको डिटेल में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।